तनिष्क बागची जिनको ओरिजिनल गानों के लिए कम लेकिन और पुराने गानों का रीमेक करने को लेकर ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे गाने का रीमेक बनाया जो एआर रहमान से जुड़ा था और एआर रहमान ने जैसे ही इस गाने का रीमेक देखा वो बिफर गए और कुल मिला के उन्होंने ट्विटर पर तनिष्क बागची को लताड़ दिया और जितने भी लोग इस गाने से जुड़े हुए हैं उनको लताड़ दिया। उन्होंने ट्वीट शेयर किया कि एक साल भर लगता है एक ओरिजिनल गाने को लिखने में, कितनी स्लीपलेस नाइट्स लगती हैं उस गाने की लिखे हुए को टीम के साथ डिस्कस होता है, फिर दोबारा लिखा जाता है, उसके बाद म्यूजिक बनता है और उसके बाद उसको गाया जाता है और कितने कम ब्रेक मिलते हैं और कितनी ज़्यादा स्लीपलेस नाइट होती है और तब जाकर निकलता है एक ओरिजिनल गाना। उनके इस मैसेज में साफ था कि वो किसके बारे में कह रहे थे क्योंकि उन्होंने हैशटैग चला था इंजॉय ओरिजिनल मसक्कली, मतलब लोगों से गुहार लगा रहे थे कि आप इस मसक्कली को सुनने से अच्छा ओरिजिनल मसक्कली सुने जो कि मोहित चौहान की आवाज़ में है। वो मोहित चौहान जिन्होंने रॉक स्टार में गाने गाए थे और उनके रॉक स्टार के गाए हुए वो गाने आज भी सुने जाते हैं और आज भी एक हिट एल्बम है। वो मोहित चौहान जो 50 से ऊपर की उम्र में काफ़ी बेहतर गाना गाते हैं और उसका सबूत है लव आजकल टू का ये दूरियां। और एआर रहमान का तो नाम पूरी दुनिया जानती है जिन्होंने ओस्कार जीता हुआ हो, भला उनका नाम कोई कैसे नहीं जानेगा। और इस गाने का रीमेक बनाया और तनिष्क बागची से उनके फैंस पता नहीं है या नहीं है लेकिन जो उनको फॉलो करते हैं वो कहाँ से नाराज है और कह रहे हैं कि अब तो हद हो गई, तनिष्क बागची रुकी नहीं रहे और उनका काम हो चुका है पुराने गानों को बर्बाद करना, पुराने गाने को रुइन करना। और नेहा कक्कड़ का नाम इस गाने के साथ भी जुड़ा है क्योंकि वो उन्होंने इस गाने में महिला वर्जन को अपनी आवाज़ दी है। तो आपने अगर ये गाना सुना है तो आपकी इस गाने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की तेज दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता।